बिग बॉस 16 के सीजन में हर दिन घर वालों के बीच नया समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहा है। सोमवार के एपिसोड में हंसी मजाक के साथ प्रतिभागियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। शो की शुरुआत में बिग बॉस ने सबके सामने ऐलान किया कि निर्मित की कैप्टनसी की अवैध शपथ हो चुकी है। इस बीच बिग बॉस नए कैप्टन के चुनाव के लिए घर वालों को नया टेक्स्ट भी दिया। बिग बॉस ने सभी को जानकारी दी कि घर को धोबी घाट में बदल दिया गया है और सभी कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के कपड़ों पर कीचड़ उछालना होगा। नए टैक्स के अनुसार कैप्टनसी के नए दावेदार सुम्बुल, अंकित, शालिन और प्रियंका की धोबी घाट पर लॉन्ड्री की दुकान का जिम्मा सौंपा गया। बिग बॉस वादार खेल के अनियम समझाए जाने के बाद घर वालों के बीच गेम शुरू हो गया। टैक्स में सभी को एक दूसरे के कपड़ों को गंदा कर कैप्टन बनने की उनकी दावेदारी को खत्म करना था। नियम के मुताबिक टैक्स के अंत में जिस भी दावेदार की रस्सी पर ज्यादा साफ कपड़े होंगे उन्हें उस राउंड का विजेता घोषित किया जाना था। टेस्ट के दौरान घर वालों में काफी बहस भी देखने को मिली। कई राउंड तक चले इस टेस्ट में अंत में प्रियंका और अंकित बचे। इसके बाद आखिरी राउंड की बाजी अंकित ने जीती, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें घर का नया राजा घोषित कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।